नमस्कार, मैं आयुषी। बॉर्डर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के चौथे वर्ष में प्रवेश करने के तुरंत बाद शरद यादव ने अपनी नई पार्टी का गठन कर भाजपा के खिलाफ जंग का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि दल से उन्हें कितना संबल मिल पाएगा। सियासत में क्रांति करना कितना मुश्किल होता है, यह शरद से बेहतर और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि लोकतांत्रिक जनता दल के गठन से पहले खुद शरद कई दलों के निर्माता निदेशक रह चुके हैं। गंगा दशहरा पर आज प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में आस्था का सैलाब डुबकी लगाने में उमड़ पड़ा। लाखों लोगों ने आज गंगा नदी में स्नान के बाद पूजा अर्चना की। अमरोहा में लोगों ने ब्रजघाट और तिगरी में आस्था की डुबकी लगाई, तो वहीं हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर के साथ ही कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी तथा बलिया में श्रद्धालुओं का भारी भीड़ गंगा नदी के तट पर उमड़ पड़ी। पेट्रोलियम पदार्थों की बेतहाशा बढ़ी कीमतों के विरोध में विपक्ष ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने गुरुवार को यूपी के सभी जिला केंद्रों में प्रदर्शन करने का फैसला किया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल व वाम दल भी आंदोलन करने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश की कमान संभाले एक वर्ष से अधिक हो गए। उन्होंने प्रदेश की कमान संभालते ही अधिकारियों को अपने कार्यालय में सुबह 9 बजे से बैठने का आदेश दिया, जिसका कुछ अधिकारी तो पालन कर रहे हैं, लेकिन बलिया जिले में एक विभाग ऐसी है जहां अधिकारी महीने में एक सप्ताह ही कार्यकाल में बैठते हैं। जनता अपनी समस्याओं को लेकर जब कार्यालय जाती है तो वहां खाली कुर्सी देख निराश होकर वापस लौट जाती है। नगर में वह कार्यालय है जल निगम का, जी हाँ, वहीं विभाग के अधिशासी अभियंता अलाउद्दीन खां से कभी भी जनता की मुलाकात नहीं हो पाती। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए जुड़े रहिए बॉर्डर इंडिया के साथ।